दोस्तों सैमसंग लॉन्च करने जा रहे हैं मार्केट में सैमसंग A21s, और आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। हम करेंगे इसका रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको सैमसंग के इन डिवाइसेस से क्यों अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के बारे में आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप शायद बाकी रिव्यू इस फ़ोन का देखें ना, बल्कि यही वीडियो स्किप करके इस फ़ोन को छोड़ के आप किसी और डिवाइस की तरफ चले जाएं। अब ये सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली माना जा रहा है कि इस फ़ोन की जो बैटरी टाइमिंग है वो किसी आम फ़ोन से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो बैटरी टाइमिंग है अच्छी होगी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको बैटरी दी गई है फ़ोन के अंदर वो है 5000 mAh, जो कि अब नॉर्मल मोबाइल्स में यही आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर दिया गया है सैमसंग की तरफ से वो है एक्जानोस 850, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा। दोस्तों इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी आम प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा कम है, और दोस्तों यही वजह है कि जो बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा कम करता है ये प्रोसेसर सैमसंग एक्जानोस 850। दोस्तों जब आपको बैटरी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा दिया जाता है लेकिन जो कंपोनेंट बैटरी कंज्यूम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो बैटरी टाइमिंग होगी वो किसी आम फ़ोन से अच्छी होगी। तो अगर आप ये रिव्यू देख रहे हैं ये फ़ोन बाय करने के लिए, और आप बाय करना चाहते हैं गेमिंग के लिए या आपको चाहिए हाई परफॉर्मेंस मोबाइल, तो आपको ये फ़ोन अवॉइड करना चाहिए। आपको जाना चाहिए ओप्पो, या आपको बाय करना चाहिए कोई भी हुआवे नोवा 7i टाइप की कोई भी डिवाइस। अब दोस्तों अगर हम पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 6.5 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फ्रंट साइड पे जो आपको पंच होल में कैमरा देखने को मिल रहा है वो सिंगल कैमरा है, वो है दोस्तों 13 मेगापिक्सल का। बैक साइड पे दोस्तों आपको वही 4 कैमराज का सेटअप मिल रहा है और एक आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। अगर हम कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो फर्स्ट पे आपको 48 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिल रहा है, जो कि सपोर्ट करता है 1080p रेजोल्यूशन को। सेकंड पे दोस्तों आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, और थर्ड आपको डेप्थ सेंसर कैमरा मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का, और जो दोस्तों लास्ट कैमरा है वो भी है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप रेयर कैमरा की तरफ जाते हैं 48 मेगापिक्सल, उसके बाद दोस्तों जब आप आते हैं 8 मेगापिक्सल पे, तो मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा सैमसंग ने रख लिया अपने हर मोबाइल में। अब दोस्तों ये सिर्फ इस मोबाइल में ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि हर मोबाइल में यही डिफरेंस बहुत ज़्यादा रख दिया जाता है। तो जब आप आते हैं सेकंड कैमरा या थर्ड कैमरा की तरफ, जो कि 2 मेगापिक्सल है और 8 मेगापिक्सल, तो जो क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि मेगापिक्सल कैमरे की क्वालिटी में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन जब इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाए कि 48 मेगापिक्सल से 8 और उसके बाद 2 मेगापिक्सल, तो क्वालिटी तो दोस्तों कम हो ही जाती है। दोस्तों ओवरऑल हम बात करें तो इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है, जो कि 15 वोल्ट का इसका चार्जर है। दोस्तों ओवरऑल हम इस फोन के बारे में बात करें, अगर आप लेना चाहते हैं ये पर्सनल यूज के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए नहीं, तो बैटरी टाइमिंग क्योंकि अच्छी है तो आपके लिए फोन अच्छा है। तो दोस्तों हम अगर इसके सिस्टम के बारे में बात करें, मतलब जो सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल्ड है वो है सैमसंग वन UI, जो कि अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन में दोस्तों सैमसंग यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सैमसंग ने ये न्यू सिस्टम इस फोन में लॉन्च की है। अब ओवरऑल हम बात करें इसके चार्जर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 15 वोल्ट्स का फास्ट चार्जिंग का सेटअप मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने करनी है कोई भी गेमिंग नहीं और आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये फ़ोन आप बाइक कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप पावर बैंक यूज़ करते हैं तो वो आपकी जो फ़ोन की बैटरी टाइमिंग है उसको थोड़ा सा दोस्तों कम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन इस फ़ोन में आपको एटलीस्ट पावर बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बैटरी टाइमिंग है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने जा रही है, और साथ ही आपको फास्ट चार्जिंग का सेटअप मिल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी कैमरा फ़ोन, या आप लेना चाहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अगर आपको चाहिए ज़्यादा बैटरी टाइमिंग, तो आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं। दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यही ख़त्म होती है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।